नहीं परमिशन नहीं लीजिए, मैं क्यों बोली मैं नहीं लीजिए परमिशन। जिसमें दोषी कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा आपका स्वागत करता हूं हमारे खास प्रोग्राम आंगनबाड़ी में अंधेर गर्दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पलवल जिले में बनी आंगनबाड़ियों की। जिले में लगभग 1100 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां पर बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। यहीं से बच्चों की सुनिश्चित परवरिश शुरू होती है, लेकिन जिले के इन आंगनबाड़ी केंद्रों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। गांवों में बच्चों में बढ़ते हुए कुपोषण को देखते हुए भारत सरकार ने 1975 में बाल विकास विभाग के साथ मिलकर इस योजना को शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण का शिकार होने से बचाना है। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को गांवों में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को उनके स्वास्थ्य के संबंधी सामान और उचित पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए खोला गया है। एक आंगनवाड़ी केंद्र पर 2 महिलाएं केंद्र संचालिका और सहायक के रूप में नियुक्त की जाती है, जिनको सरकारी तौर पर नियुक्त किया जाता है। 31 अक्टूबर 2013 के आंकड़ों के अनुसार देश में 13.7 लाख छोटे बड़े सेंटर चल रहे हैं, जो गांवों में बच्चों को हेल्दी खाना और पढ़ाई का सामान उपलब्ध करा रहे हैं। जिसमें दोषी कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एबीसी चैनल की टीम ने जिले के लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों पर पर्याप्त राशन उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बच्चों को दलिया देकर काम चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियुक्त इन महिला वर्करों और सहायक वर्करों का काम रोजाना केंद्रों को खोलना और सरकार द्वारा दिए गए मेन्यू के हिसाब से हेल्दी खाना बनाकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को खिलाना है। बाल विकास मंत्रालय के मेन्यू के हिसाब से सप्ताह में अलग अलग प्रकार का खाना बनाकर बच्चों को खिलाया जाना चाहिए, लेकिन जिले में जो केंद्र चल रहे हैं उन पर ज्यादातर अनाज का दलिया ही पूरे सप्ताह बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को दलिया के सिवा दूसरा कोई खाना नहीं मिल पाता, जिस कारण अधिकांश बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाना पसंद नहीं करते। जिसमें दोषी कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार द्वारा बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सन 1975 में शुरू किए गए थे, लेकिन आज जिले भर में ये आंगनबाड़ी केंद्र केवल नाम मात्र की कार्यप्रणाली की तरह कार्य कर रहे हैं। जिला पलवल की बात करें तो लगभग 1100 से ऊपर आंगनबाड़ी सेंटर जिले में चल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सेंटरों की हालत खस्ता बनी हुई है। आलम यह है कि कुछ सेंटरों पर खाने का सामान नहीं मिलता तो कुछ पर पढ़ाई का सामान नहीं मिलता। ज्यादातर आंगनबाड़ी सेंटरों को सहायक वर्करों द्वारा ही चलाया जाता है, क्योंकि महिला वर्कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने की परेशानियों से बचना चाहती हैं और सहायक पद पर होने के कारण सहायक वर्कर को केंद्र पर आना पड़ता है। सेंटर संचालक महिला वर्कर को बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन केंद्रों को खोला ही नहीं जाता। वहीं गांव मोहदमका में आंगनवाड़ी केंद्रों को कई कई दिनों तक नहीं खोला जाता, जिस कारण यहां के बच्चों को ना तो खाने का सामान मिलता है और ना ही पढ़ाई का। साहिद, जो आपके गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है, क्या हालत है इनकी? जी सही रहता जी, जी कुछ नहीं बांटते जी। आंगनवाड़ी रोजाना खुलती है? नहीं खुलती जी। कितने दिनों में खुलती है? जी महीना से ज्यादा, महीना 4 दिन हो जाए जब खुले। तो आंगनवाड़ी जो वर्कर है कहाँ से आते हैं? बाहर गांव से आते हैं। तो कभी उनसे आपने की कही है कि वो सामान जो सरकार दे रही है मिलना चाहिए? कही जी। क्या कहती हैं? बांट कुछ जवाब नहीं देती थी। क्या चाहते हो आप? सामान मिलना चाहिए आप। हाँ जी। क्या नाम है?
जानिस्ता। कौन सा काम है ये तुम्हारा? मौदम का। यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में कुछ सामान मिलता है खाने के लिए? खुलती है आंगनवाड़ी? कितने दिनों से नहीं खुल रही है? इसमें दोषी कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना। जिले भर में लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पर्याप्त राशन नहीं है। कहीं गेहूं का दलिया है और कहीं केवल खिचड़ी से बच्चों के स्वास्थ्य का पोषण किया जा रहा है। इससे यह योजना पूरी तरह विफल होती नजर आ रही है। इस बात को खुद आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों ने माना है कि उनको मेन्यू चार्ट तो दिया जाता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में राशन केंद्र पर नहीं भेजा जाता, जिस कारण वो दलिया और चावल देकर ही काम चलाते हैं। गांव पेलक में आंगनवाड़ी वर्कर सुषमा ने बताया कि राशन की कमी के कारण दलिया और चावल देना उनकी मजबूरी है। उन्होंने बताया कि एक तरह का राशन वितरित होने के कारण केंद्र पर बच्चे भी कम संख्या में आ रहे हैं और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है जी आपका? सुषमा। सुषमा जी, किस पद पर आप यहाँ कार्यरत हैं? आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर, तो किस तरह के आपको यहाँ राशन उपलब्ध कराया जा रहा है? अभी तो सिर्फ गेहूं और चावल ली है। कितने दिन हो गए गेहूं चावल ली के? लगभग 5-6 महीने हो गए। 6 महीने से आप गेहूं और चावल ही बच्चों को वितरित कर रहे हैं? तो किस किस तरह की प्रोसेस हुआ करती है पूरे सप्ते की? अब रेसिपी के अनुसार तो जब राशन होता है तो तभी बनाते हैं, जब नहीं होता तो गेहूं चावल बनाते हैं। नहीं, ऐसे जैसे मंडे को कौन सा बनता है? हां, वो तो कह रहे हैं रेसिपी, अगर मंडे को मीठा दलिया चीनी होती तो मीठा बनाते हैं, और जो नहीं है तो फिर नमकीन बनता है। तो कब से इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है कि भाई राशन आपको नहीं मिल पा रहा? चीनी तो लगभग 2 साल से हो गई है। 2 साल से चीनी मिली नहीं थी? हाँ, और बाकी जो राशन है वो 6 महीने लगभग हो गए। 6 महीने हो गए। तो बच्चे कभी उगते नहीं है चावल दलिया खाते खाते? अब उग जाते हैं, आते भी नहीं है, कुछ तो ये कह देते हैं रोज दलिया बनाते हैं न जा रहे। तो कितने दिन हो गए, कितने बच्चे आपके पास थे और उनमें से किसी तरह की स्ट्रेंथ कम हुई है या फिर ज्यादा हुई? बच्चे तो फिर भी हमारे पास आ जाते हैं 15-20, लेकिन अब तो फिर भी कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं, पहले से कम हो गए। आपको जब ये पूरी तरह से राशन नहीं मिला है तो इसके बारे में आपने अपने आला अधिकारियों से कभी इस बारे में बताया हो? पता है उन्हें? नहीं, आप लोगों ने कभी सुना? हमने बताया लेकिन पता है। तो वो क्या कहते हैं, उनका जवाब क्या मिलता है आपको? कहते हैं कि पीछे से नहीं आ रहा। तो इस तरह की जो आप चावल दलिया की बात कर रहे हैं कि भाई 6 महीने हो गए चावल दलिया खिलाते हुए, इस तरह से स्वास्थ्य बना रहेगा बच्चों का? दलिया तो अच्छी चीज है, लेकिन नहीं, अच्छी चीज तो है, ये है कि मीठा हो तो और अच्छा टेस्ट हो। फल भी वितरित किए जाते हो? नहीं, फल वाल तो नहीं आते। नहीं आते कुछ भी? नहीं, नहीं परमिशन नहीं लीजिए, मैं क्यों बोली मैं नहीं लीजिए परमिशन। जिसमें दोषी कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना। आंगनबाड़ी में कार्यरत वर्कर का कार्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और उन्हें एक मेन्यू चार्ट के अनुसार बच्चों को भोजन देने का है, लेकिन जिले के अधिकतर आंगनबाड़ी वर्कर केंद्रों पर ही नहीं आती, जिसके कारण सारा काम आंगनबाड़ी सहायिका को करना पड़ता है। जिले के कई गांवों में आंगनबाड़ी केंद्र सप्ताह में किसी दिन ही खुलते हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि जब सेंटर बंद होते हैं तो उन पर जाने वाले राशन को किसको वितरित किया जाता है। वहीं एक सेंटर संचालिका ने खुद माना है कि वो बिना किसी परमिशन के सेंटर को बंद कर देते हैं, जिसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर ने खुद कैमरे पर माफी भी मांगी है। उसने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन ऐसे में कर्मचारी इस योजना को विफल बनाने में जिम्मेदार तो हैं ही। क्या नाम है आपका? जी, आप सेंटर चला रहे हैं मैडम का, सेंटर क्यों बंद रहते हैं आप?
डॉक्टर सेंटर तो बाबूजी डेली लगाते हैं जी, पर देखा गया आज भी सेंटर बंद है। हाँ जी आज बंद है जी, आज माफी चाहती हूँ। तो गाँव वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि आए दिन सेंटर बंद रहता है, कोई सामान खाने के लिए नहीं दिया जाता। सामान दिया जाता जी, दो दिन राशन नहीं था जी, उस दिन नहीं पकने, डेली राशन पकाते जी, राशन नहीं पकाते तो बच्चे कैसे रुकेंगे जी। अब गांव वाले चाहे कुछ कहें जी, हमारे सामने के पूछो आए तो उन्हें जो सेंटर ले जाते हैं, या हम उन्हें हमारे सामने बच्चों को या गर्भवतियों को बुला कर हम आपके सामने पूछो किसे नहीं देते जी, सब काम करते हैं सेंटर में, फिर हमें इसलिए हमें रखा गया जी आंगनवाड़ी में। जब हम इसे काम नहीं करेंगे हमें कौन रखेगा इसमें। आज की छुट्टी है? हाँ जी आज छुट्टी का दिन है। हाँ जी आज मैंने सेंटर नहीं लगाया जी। तो आपने कोई छुट्टी या आगे से परमिशन ली? नहीं परमिशन नहीं लीजिए, मैं क्यों झूठ बोली, मैं नहीं लीजिए परमिशन, छुट्टी जब रहती नहीं जी, मैं परमिशन तो हेल्पर भी नहीं आते हैं सेंटर से। हेल्पर भी आज नहीं आई जिससे मैं बोल के गई, वो भी नहीं आई जी। नहीं परमिशन नहीं लीजिए, मैं क्यों झूठ बोली, मैं नहीं लीजिए परमिशन। इसमें दोषी कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ फिर कार्रवाई कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी देते हुए पलवल जिला उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात सुधारने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। जिला उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा का कहना है कि जिले में 1100 के लगभग सेंटर हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो प्रयासरत हैं कि जिले के सभी सेंटर सुचारू रूप से चलें और आंगनवाड़ी केंद्रों पर चल रहे गोलमाल को भी बंद किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्रों में बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा 1100 करीब सेंटर हमारे से, लेकिन उसके अंदर हमारे कुछ परसेंटेज ऑफ सेंटर्स बहुत अच्छे मन में है, जिनके फोटो हमारे जो सीएम जी जी है, सीएम गुड गवर्नेंस एसोसिएट, ये हमारे हम इसको जानते नहीं है कोई भी, ये वहाँ जाकर फोटो वोटो लेकर के ऊपर भेजते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये कहा है कि जो पलवल में पायलट प्रोजेक्ट चला है इसको पूरे हरियाणा में चलाया जाए। डिजिटल लाइब्रेरी का भी सीएम साहब ने कहा था जो पलवल में चला है इसको पूरे हरियाणा में चलाया जाए, सब डिविजन लेवल पर भी चलाया जाए। सनपुर की रैली में मैंने सीएम साहब से डिजिटल लाइब्रेरी होटल के लिए भी उस दिन मंजूर करवा ली थी, सीनियर सिटीजन क्लब भी मैंने उस दिन होटल के लिए मंजूर कराया। तो ये ऐसी चीजें हैं जो पलवल की सभी जगह अप्रिसिएट की गई। इसमें दोषी कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला से जब इस विषय में हमारी टीम ने जानकारी ली तो उन्होंने समस्या पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला ने कहा कि उनके पास पहले भी जिले के कई आंगनवाड़ी केंद्रों की शिकायतें आ चुकी हैं और वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रतिदिन जाँच की जाए, और उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी खामियों को पूरा किया जाएगा और केंद्रों को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। सर अपने जिले में 1100 लोगों का आंगनबाड़ी है लेकिन सिवाय अनाज के उनमें कुछ नहीं मिलता, तो ऐसे में आपकी तरफ से किस तरह के प्रयास रहेंगे कि देखिए जहाँ जो भी कमी है हम आंगनबाड़ियों के अगर इस तरीके की है हम एक बार उसको देख करके प्रॉपर ठीक आंगनबाड़ी जिस उद्देश्य से बनाई गई है उसी उनका उद्देश्य उसमें पूर्ति रहे, इस बात को ध्यान में रख करके जहाँ इस तरह की जो भी शिकायतें हमारे पास भी और शिकायतें आई है इनको ठीक करवा रहे हैं, बिल्कुल ये जल्दी इसको ठीक करवाएंगे और जो इस तरीके की हो रही है ताकि मिसयूज आंगनबाड़ियों का ना हो। ये शिकायतें आला अधिकारियों के नोटिस में भी हैं सर? मैं अभी ये मेरे भी अभी ये ध्यान में आई है तो हम अधिकारियों से बात करके ताकि आंगनबाड़ियों का ठीक यूज हो, उनकी इस तरीके से उनका मिसयूज ना हो और जिसमें दोषी कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ फिर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन आंगनबाड़ियों की अवस्था की जानकारी आला अधिकारियों और स्थानीय नेताओं को नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आंगनबाड़ी में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं
जिसमें दोषी कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही आंगनबाड़ियों की खस्ता हालत के चलते जहां बच्चे इन आंगनबाड़ियों में आने से कतराते हैं, वहीं करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस योजना से सरकार की उम्मीदें बेजान दिखाई दे रही हैं। हथीन उपमंडल के करीब आधा दर्जन गांवों में गरीब बच्चों को दिए जाने वाला आहार आंगनबाड़ी वर्कर मिली भगत के चलते डकारने में लगी है। गाँव रूपड़ा का भंगूरी, कौंडल, जराली, गहलव, कोट आदि गांवों में न तो बच्चों को उचित पोषाहार दिया जा रहा है और न ही बच्चों के खेलने और पढ़ने के लिए कोई भी सामग्री ही मौजूद है। यूं तो सरकार द्वारा जारी किए गए मेन्यू में बच्चों को रोजाना अलग अलग पोषाहार दिए जाने का प्रावधान है, परंतु ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों पर केवल मीठा दलिया ही बच्चों को परोसा जाता है। कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर तो बच्चों के बैठने के लिए भवन का निर्माण भी नहीं कराया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों पर आए बच्चों ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर कई कई दिनों में आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलती हैं और उन्हें उचित पोषाहार नहीं दिया जाता। उन्हें केवल गेहूं का दलिया ही ज्यादातर दिया जाता है। बच्चों के खेलने के लिए सामान नहीं है और न ही पढ़ने के लिए किताबें। उन्होंने बताया कि उनके बैठने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है, उन्हें मिट्टी में बैठकर ही पोषाहार लेना पड़ता है। कई बार तो वर्कर पीछे से राशन न आने का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ देती हैं। इससे साफ पता चलता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन को किस प्रकार डकारा जा रहा है। जब इस बारे में आंगनवाड़ी वर्करों से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि कई बार विभाग द्वारा समय पर राशन नहीं पहुँचता, जिससे बच्चों को पोषाहार नहीं दे पाते। उन्होंने बताया कि ज्यादातर बच्चों को मेन्यू के हिसाब से पोषाहार दिया जाता है। करोड़ों का बजट आखिरकार जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? शिकायत के बाद भी क्यों नहीं सुनते अधिकारी? मासूम बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कितना सही? क्या अधिकारी भी अपने बच्चों का पोषण ऐसे ही करते हैं? क्या घोटाले की भेंट चढ़ रही है योजना? आंगनवाड़ी वर्करों की क्यों नहीं सुनते अधिकारी? क्या ऐसे सिस्टम के बाद आप अपने बच्चों को भेजेंगे आंगनवाड़ी केंद्रों पर? हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एबीसी चैनल के साथ। नमस्कार। नहीं परमिशन नहीं लीजिए, मैं कुछ झूठ बोली, मैं नहीं लीजिए परमिशन। जिसमें दोषी कोई भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई कर रहे हैं। We'll be right back.